हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में आज के इस वीडियो में हम जापानीज़ चेस चैम्पियन यानी कि शोगी के चैंपियन योशी हारू हाबू की एक बेहतरीन गेम देखेंगे जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के ग्रैंड मास्टर पीटर के वेल्स को जो है वो क्रश किया था दो में योशी शोगी के चैम्पियन थे बट डेफिनेटली स्टैंडर्ड चेस में जो है उनका कोई इतना बड़ा नाम नहीं है वो इवन आई एम भी नहीं है वो सिर्फ जो है वो फिडे मास्टर है बट इस पर्टिकुलर गेम में उन्होंने जिस तरह से जी एम पीटर के वेल्स को बीट किया वो काफ़ी काबिल दाद है ये देखते हैं गेम जहाँ पर पीटर के वेल्स ने गेम की शुरुआत की डी फोर से ए नाव योशी हारू ने खेला डी फाइव नाव सी फोर सी सिक्स स्लो डिफेंस जहाँ पर नाइट टू एफ थ्री नाइट टू एफ सिक्स एंड नाइट टू सी थ्री खेला गया एंड नाउ ई सिक्स सो ये हो गया अब सेमी स्लो डिफेंस व्हाइट ने यहाँ पे ई थ्री खेला नाउ नाइट बी टू डी सेवन एंड बिशप टू डी थ्री सो जब भी ये बिशप मूव होता है ब्लैक जो है सी फोर पे कैप्चर करके टेम्पो गेन करता है सो so, अब पोन कैप्चे ऑन सी फोर बिशप कैप्चर्स ऑन सी फोर बी फाइव एक और टेम्पो एंड आफ्टर बिशप टू ई टू सो वाइट क्यों इतने टेम्पोज जो है अलाव करता है क्योंकि सामने वाइट को जो है वो सेंटर मिल रहा है क्योंकि हमने पोन कैप्चर सी फोर खेला तो हमारा वहाँ पे जो है उस सेंटर का पोन वो हमने एक्सचेंज किया सी फाइल के पोन के सामने सो आगे चल के ब्लैक की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि वो सी फाई जो है वो खेले और वाइट के सेंटर पे भी जो है काउंटर अटैक करे इस पोजीशन में ब्लैक ने बी फोर खेला एंड नाउ नाइट टू ए फोर बिशप टू डी सिक्स और यहाँ पर वाइट ने एक अजीबो गरीब मूव खेली उन्होंने खेला ई फोर सो ई फोर मूव दिखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि ई फाई की थ्रेट है नाइट कैप्चस ई फोर में क्वीन टू सी टू आएगा जिसमें नाइट पे अटैक होगा और क्वीन कैप्चस वन सी सिक्स आएगा बाद में रुक पे भी अटैक होगा दिखने में ये मूव जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी है नहीं रीज़न ये है कि हमें पता है कि ओपनिंग में एंड मिडल गेम में सेंटर के पोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, यहाँ पे वाइट का जो लॉजिक है सेंटर पोन के सामने विंग पोन को एक्सचेंज करना वो इतना अच्छा नहीं है और उन्होंने जो भी टेक्टिकल रीज़न सोचे है तो वहाँ पे देखिए तो ब्लैक का डेवलपमेंट जो है इतना वीक नहीं है जितने वाइट के पीसिस डेवलप है उतने ही ब्लैक के पीसीज डेवलप है सो so, ब्लैक को कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है सो so, ये प्लान जो है वो इतना अच्छा जम नहीं रहा है कंप्यूटर जो है वो भी इस बात से एग्री कर रहा है यहाँ पर नैट कैप्चन ई फोर यो सी हारू ने खेला एंड नाउ क्वीन टू सी टू एफ फाइव नैट को सेव किया और इस पोजिशन में नाइट टू जी फाइव खेला गया एन आफ्टर नाइट कैप्चस ऑन जी फाई अब जो है व्हाइट ने क्वीन कैप्चस ऑन सी सिक्स खेला रुक पर अटेक है और साथ साथ जो है बिशप पर भी अटेक है सो so, पहले अगर से नाइट कैप्चस जी फाई के बाद आप पहले खेलते हो बिशप कैप्चस ऑन जी फाई और उसके बाद क्वीन टैक्स ऑन जी फाई के बाद अब अगर क्वीन कैप्चस ऑन सी सिक्स खेलते हो तो क्या हो सकता है धन रुक टू बी एड पॉसिबल है जिस केस में क्विन कैप्चस ऑन डी सिक्स के बाद यहाँ पर क्वीन कैप्चस जी टू काफ़ी स्ट्रॉग है इवन ब्लैक अफोर्ड कर सकता है इस सिक्स फोन को विथ चेक देना सो आफ्टर क्वीन कैप्चस ऑन सी सिक्स क्या ई सिक्स क्या होगा किंग टू डी एट और यहाँ पे देखिए रुक टू जो है वो ई एट आ रहा है दूसरी ओर रुक ऑन एच वन पे अटैक है सो so, ब्लैक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक मिलेगा फॉर एग्जाम्पल रुक एफ वन देन रुक टू जस्ट ई एट एंड आफ्टर क्वीन टू सी फोर नाइट टू बी सिक्स नाइट कैप्चस रुक कैप्चस और वेरियस थ्रेट है पोजिशन में रुक टू ई सिक्स ई टू प्रेशर बिशप टू ए सिक्स क्वीन मूव होगी एंड देन ई टू पे प्रेशर सो ऑलमोस्ट ब्लैक की पोजीशन यहाँ पर विन है सो नाइट कैप्चर्स ऑन जी फाई के बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन सी सिक्स खेला गया बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि एफ फाइव के बाद नाइट टू जी फाइव खेलना क्यों ज़रूरी था क्यों यहाँ पर क्वीन कैप्चस ऑन सी सिक्स नहीं खेला जा सकता क्योंकि उधर जो है बाद में बिशप अनसपोर्टेड नहीं रहता और ब्लैक जो है आराम से रुक बी एड खेल लेता ब्लैक को जो है वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है सो so, नाइट g5 फाई नाइट कैप्चस जी फाई क्वीन कैप्चस ऑन सी सिक्स एंड नाव इस पोजिशन में बिशप पर अटैक है रुक पर भी अटैक है सो so, ब्लैक ने खेला नाइट टू ई फोर उन्होंने अपना बिशप जो है डी सिक्स पर सेव किया से उस पोजीशन में आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन सी सिक्स आप ट्राई करते हो कि चलिए रुक को ही सेव कर लेते हैं एंड बिशप दे देते हैं बट आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन डी सिक्स देखिए अब थ्रेट है बिशप कैप्चर्स हो उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन ई सिक्स की और वाइट ने जो है अटैक जनरेट कर दिया जबकि सामने ब्लैक का जो है यहाँ पे कोई काउंटर अटैक अभी क्रिएट नहीं हुआ सो ये पोजीशन जो है वो वाइट के लिए अच्छी बन सकती है सो क्वीन कैप्चिस वन सी सिक्स के बाद नाइट टू ई फोर एक्सचेंज का सेक दिया बट सामने जो है उनको पोजीशन काफ़ी अच्छी मिल रही है क्वीन कैप्चिस वन एट के बाद जस्ट कैसलिंग शॉट और यहाँ पर वाइट ने खेला क्वीन टू सी सिक्स जो कि फोर्स था क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैसल करते हो देन क्या होगा देन सिंपली जो है क्वीन टू सी सेवन दिख ऐसा रहा है कि ओके एच टू पर अटैक है बट क्वीन ट्रैप करने का प्लान है से आप जो है यहाँ पे एच थ्री खेलते हो देन बिशप टू बी सेवन क्विन कैपचस एंड रुक टू एट में क्वीन ट्रैप हो जाएगी सो so ये पोजिशन जो है वो oh ब्लैक के लिए जस्ट विनिंग है सो इसीलिए क्विन कैप्चस ए एट एंड कैसलिंग के बाद व्हाइट ने खेला क्वीन टू सी सिक्स अपनी क्वीन को जो है डेंजर जोन में से निकाल दिया उनकी थ्रेट ये है पोन एफ थ्री पुष करना और इवन बाद में नाइट मूव होती है तो बिशप को विन करना सो नाइट डी टू एफ सिक्स नाइट की पोजिशन तो इम्प्रूव की साथ साथ बिशप को भी जो है प्रोटेक्शन दिया और इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि कैसलिंग और ये गेम जो है तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है बट वाइट ने खेला एफ थ्री नाइट पे अटैक किया सो इस पोजीशन में वीडियो को पोस्ट कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे ब्लैक को क्या खेलना चाहिए गेम में एक्चुअली ब्लैक ने खेला बिशप टू डी सेवन बट कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि बिश कैप्चर्स एच टू जो है वो सबसे पावरफुल मूव है रीजन ये है कि क्वीन आई I मीन mean, रुक कैप्चर्स ऑन एच टू के बाद क्वीन टैक्स ऑन जस्ट डी फोर और बाद में जो है क्वीन टू जीवन जिसमें रुक जा रहा है रुक एच वन जाते हो तो क्वीन टू एफ टू चेक किंग मूव होगा देन रुक टू डी एट चेक और बाद में इवन जो है यहाँ पे बिशप ऑन ई टू को भी कैप्चर किया जा सकता है सो so, पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट विनिंग है और ये सेम वेरिएशन जो है आगे चल के गेम में भी हुआ सो so वहाँ पे हम जो है ज़्यादा इसको एनालाइज़ करेंगे सो so, हमारी गेम में एफ थ्री के बाद खेला गया बिशप टू डी सेवन एंड नाउ क्वीन टू ए सिक्स और बिशप कैप्च ऑन ए फोर और इस पोजीशन में कंप्यूटर अगेन सजेस्ट कर रहा है कि क्वीन कैप्चर्स ऑन ए फोर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसमें बिशप कैप्चस ए टू आ रहा है यहाँ पर खेलना चाहिए फोन कैप्चस ऑन ई फोर एंड आफ्टर नाइट कैप्चस ई फोर जस्ट जो है वो जी थ्री खेल देना चाहिए जी थ्री का रीजन ये है कि डायरेक्टली कैसल करते हो देन क्वीन टू एच फोर जो है वहाँ पर विनिंग है क्योंकि चेकमेट की थ्रेट है जी थ्री करते हो तो वहाँ पर नाइट या बिशप किसी से भी सेक दिया जा सकता है सो बेसिकली गेम इज़ जस्ट ओवर सो बिशप कैप्चस ए फोर के बाद काफ़ी ज़रूरी था कि पहले ई फोर पर कैप्चर करो देन जी थ्री खेलो बट वाइट ने खेल दिया क्वीन कैप्चर्स ऑन ए फोर एंड फाइनली अब ब्लैक ने जो है बिशप कैप्चर्स ऑन एच टू फाइन कर लिया एंड आफ्टर रुक कैप्चर्स एच टू जस्ट क्वीन कैप्चर्स ऑन डी फोर थ्रेट है यहाँ पे क्वीन टू जी वन की क्वीन एफ टू दोनों की सो so, वाइट ने यह सोचा कि वो पहले जो है वो पोन कैप्चर्स ऑन ई फोर खेलेगा एंड आफ्टर नाइट कैप्चर्स ई फोर अब अपने रुक को सेव करेगा जबकि यहाँ पर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि क्वीन टू बी फाइव जो है वो यहाँ पर खेलना चाहिए जिस केस में गेम को जिस तरह से कंटिन्यू हो सकती है लाइक क्वीन टू ए जी वन चेक बिशप एफ वन एंड नाव क्वीन कैपचर्स ऑन जस्ट एच टू और यहाँ पर दिख ऐसा रहा okay, है कि ओके एक पीस हम डाउन है बट सामने देखिए कि ये रुक जो है अभी गेम में है ही नहीं सो so यहाँ पे ब्लैक को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है फॉर एग्जाम्पल आप बिशप ई थ्री करके गेम को आई मीन पीसिस को जो है गेम में लाने की ट्राई करते हो देन क्वीन टू जी थ्री चेक किंग ई टू पोन पोष और उसके बाद जैसे ही आप बिशप मूव करोगे से बिशप टू डी फोर जस्ट पोन एफ थ्री चेक और वहाँ पे वाइट के की हालत जो है वो काफ़ी नाजुक है सो so, अब ब्लैक इज जस्ट विनिंग सो so, नाइट कैप्चर्स ऑन ई के बाद वाइट ने जस्ट खेल दिया रुक टू एच वन, और ये जो है बड़ी मिस्टेक है क्योंकि इसके बाद जो है चेकमेट इन टेन हो रहा है सो so, उन्होंने जी वन को तो गार्ड किया बट यहाँ पर अब आया क्वीन टू जस्ट एफ टू चेक किंग डी वन ना रुक टू डी एच चेक और इस पोजिशन में से आप ट्राई करते हो लाइक बिशप टू डी टू देन वहाँ पे जो है रुक कैप्चर्स ऑन डी टू चेक जो है वो जस्ट विनिंग है क्योंकि कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो रही है किंग सी वन देन क्वीन टू सी फाइव चेक अब भी बीच में डालो तो उसको मारेंगे हम देन रुक कैप्चर्स ऑन बी टू खेलेंगे किंग बी वन के बाद सो so, से आप किंग बी वन डायरेक्टली खेलते हो देन रुक कैप्चर्स बी टू चेक किंग कैप्चर्स क्वीन सी थ्री किंग बी वन एंड नाइट डी टू जो है वो चेकमेट हो गई सो so, रुक टू डी एड चेक के बाद गेम में खेला गया किंग टू सी टू पर नाउ क्वीन कैप्चर्स ओन ई टू चेक और अगर आप बिश बिशप भी जो है वो बीच में डालते हो देन रुक कैप्चर्स वहाँ पे जो है वो जस विनिंग है रुक कैप्चर्स डी टू या फिर क्वीन कैप्चर्स डी टू गेम में जो है किंग टू अब बी वन खेला गया नाउ नाइट टू सी थ्री चेक ओनली मूव ऑन कैप्चर सी थ्री और अब बी कैप्चर्स ऑन सी थ्री और यहाँ पर थ्रेट है रुक टू जस्ट बी एट की और साथ साथ जो है दूसरी थ्रेड भी यहाँ पे बन रही है लाइक क्वीन टू डी थ्री चेक जो कि काफ़ी डेंजरस है इस पोजीशन में बिशप टू ए थ्री खेला गया से आप ट्राई करते हो आ, क्वीन टू ए फोर देन क्वीन टू जो है वो डी थ्री चेक जस्ट चेक मैट है सो इसलिए बी कॉप्शन सी थ्री के बाद बिशप टू ए थ्री परपज़ ये है कि क्वीन टू डी थ्री में किंग जो है वो बाहर निकल पाए और दूसरा ये है कि अब रुक बी एड चेक में आप जो है वहाँ पर एटलीस्ट अपनी क्वीन दे दो क्योंकि रुक बी एड चेक एंड देर इज नो ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे बिशप मूव करते हो तो क्वीन बी टू जो है चेकमेट हो रही है और से आप जो है किंग को सीवन पे ले जाते हो देन क्वीन टू डी टू वहाँ पर मैट हो रही है सो रुक बी एड चेक के बाद हाँ क्वीन टू बी थ्री गेम में खेला गया बट ब्लैक को जो है वो क्वीन में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसको जो है बस चेकमेट में इंटरेस्ट है सो so, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से आप गेम को फिनिश कर सकते हो कुछ ही मूव्स में रेडी गेम में खेला गया क्वीन टू डी थ्री चेक एंड आफ्टर किंग सीवन क्वीन टू बी टू चेक इस पर्टिकुलर पोजीशन में व्हाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया रीजन ये है कि किंग टू बी वन के बाद जस्ट पोन पुश चेक किंग बी टू एंड नाउ पोन पुश यहाँ पे आप रुक बना सकते हो क्वीन बना सकते हो एंड चेकमेट कर सकते हो अपने ओपोनेंट की एंड गेम इज ओवर सो so, इसीलिए फिन डी टू चेक जब ब्लैक ने इस पोजिशन में दिया यहाँ पे पीटर के वेल्स ने रेजिग्नेशन दे दिया सो so, दोस्तों कैसी लगी आपको सोगी चैंपियन योशी हारू हाबू की ये गेम और आज का वीडियो आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद जय हिंद बाय